तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मोस्ट होने वाली है, क्योंकि गाइस मैं आज आपके इस वीडियो में कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ जो कि गैलेज के ऊपर है। सो गाइस, आप भी आज गैलेज के अंदर फंस चुके हो और गाइस यह जानना चाहते हो, तो गाइस आपको ये पाँच चीज़ें पता होनी चाहिए कि गाइस गैलेज के अंदर कौन सा काम किया जाता है या जो भी होता है उसके मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि धर्मराज भाई कहाँ पे चले गए, तो सो गाइस मैं आपको बता दूँ, 5-7 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मेरे को पिछली वीडियो में यार धमकी वगैरह मिली है जान से मारने की, बट ऐसा कोई कारण नहीं है कि मेरी वीडियो बनाने का। बट मैं आपको बता दूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और गाइस जो मेरे कैमरे वगैरह हैं वो थोड़ा साइड में गए हुए थे, यार साइड पर गए हुए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं गाइस, अगली जो वीडियो आने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए। सो गाइस, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो गाइस आपके भी यार होश उड़ जाएंगे, क्योंकि गाइस वो किसी की लाइफ बर्बाद भी कर सकता है, तो गाइस उसको आप बिल्कुल भी यार मिस मत करना। तो गाइस इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और गाइस वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर से कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या कंपनी फ्रॉड है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी है। अगर गाइस ये फ्रॉड कंपनी नहीं है तो गाइस ये मेरे पैसे लौटाती। अगर इतना नहीं हो सकता तो गाइस मेरे पास करीबन 4 से 5 हज़ार कमेंट आ चुके हैं, तो गाइस उन्होंने सभी ने ये लिखा कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो गाइस आप समझ सकते हो कि यह बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी है। तो गाइस सो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो या कोई आपको ज्वाइन करवाता है तो गाइस आपको इस कंपनी का नाम ही दूसरा बताया जाता है, क्योंकि गाइस जब भी आप किसी कंपनी का नाम बताते हो तो गाइस वो पहले ही डर जाता है और गाइस उसके ऊपर रिसर्च चालू कर देता है। अगर गाइस ऐसा नहीं होता है तो गाइस जो आपका अपलाइन है तो गाइस वो आपको जॉब के बहाने क्यों बुलाता है, अगर जॉब के बहाने भी बुलाता है तो गाइस वहाँ पे आपको और काम बताया जाता है, जैसे एक्सेल वगैरह का काम या फाइल मैनेजमेंट का काम। अगर ये नहीं बताता है गाइस तो मान सकते हैं कि ये कंपनी बिल्कुल रियल है और गाइस इसके अंदर जो पैसा भी मिलता है अगर हो सकता है तो। और गाइस आज से करीबन 20 साल पहले से ये कंपनी चल रही है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ अगर 20 साल में कोई ना कोई तो इससे बाहर आया होगा। करीबन मैंने 2 ही बंदों को देखा है, एक तो चेतन अड्डा को और इसके अलावा एक आधा बंदे को, तो गाइस उनके पास ही थोड़े पैसे हैं और गाइस मेरे को लगता है कि इसका कमीशन उनको जाता है या इनकी कंपनी है, तो गाइस उनके पास पैसा होना तो एक आम बात है। और इससे मतलब कोई छोटे पद से ऊपर गए हो तो गाइस उसका आप पता है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। गाइस सेकंड कमेंट है हमारा, कंपनी में कौन सा काम होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें ना ही तो जॉब किया जाता है ना ही कोई एक्सेल वगैरह का काम किया जाता है, इसमें केवल आपको डायरेक्ट सेलिंग यानी जो आपको प्रोडक्ट वगैरह मिलता है यानी प्रोडक्ट मिलता है तो गाइस उनको आपको सेल करवाना होता है, सेल आपको बंदे जोड़ के किया जाता है, तो गाइस ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर और आपको कुछ जानना है तो गाइस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, तो गाइस आपको पूरा पता चल जाएगा। सो गाइस नंबर 3 है, मैं फेक वीडियो बनाता हूँ। जी हाँ गाइस, मैं फेक वीडियो बनाता हूँ। अगर गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि कोई भी वीडियो फेक नहीं होती है, मैं बता सकता हूँ कि हो भी सकती है नहीं भी होती हो सकती है। तो गाइस आपको फेक वीडियो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको उसके कमेंट चेक करने, अगर गाइस उस वीडियो पे 75% से ज़्यादा जो कमेंट है वो रियल या जेन्युइन दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो वीडियो बिल्कुल ही जेन्युइन है और गाइस वो बिल्कुल रियल वीडियो है, तो गाइस कमेंट मैटर करते हैं वीडियो के, तो गाइस वो चेक किया करो। चलो गाइस अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगर आप गैलेज में फंस चुके हो तो आपको बाहर कैसे निकलना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो लालच दिया जा रहा है कंपनी के अंदर काम करने के लिए और गाइस अलग अलग आपको जो गाइस माइंड प्रेस द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब कि अलग अलग तरीके से आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, तो गाइस आप समझ सकते हो कि आपको जल्दी से वहाँ से निकलना है। और गाइस आपको कौन से तरीके से निकलना है, सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल है वो चालू रखना है, क्योंकि गाइस वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी भाई कंपनी भी नहीं लेगी ना आपके घर वालों को पता होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आपको अपना मोबाइल तो चालू रखना ही है। अगर गाइस आप वहाँ से निकल रहे हो तो गाइस अपने जो पैसे है वो वहीं से लीजिए और गाइस वो आपको एंड टू एंड पैसे देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो गाइस आपको जो पुलिस कंप्लेन या गाइस पुलिस को बुलाने की धमकी देनी है, तो गाइस आपके जो पैसे है वो आपको उसी टाइम में रिटर्न हो जाएंगे। अगर गाइस आप बाहर निकल चुके हो तो गाइस आपको पैसे कैसे रिटर्न लेने वो भी मैं आपको अगले जो टॉपिक में आपको बताता हूँ।
और गाइस जो अगला कमेंट है, अगर आपने गैरेज में पैसा जमा कर दिया है तो गाइस आपको रिटर्न कैसे लेना है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप वहाँ पे 7 दिन या 25 दिन का जो आपको टाइम दिया जाता है तो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और गाइस आपकी जो पैसा है वो रिटर्न आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर गाइस आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आप उनको सबक सिखाना चाह रहे हो तो गाइस आप पुलिस का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि गाइस पुलिस के अंदर खर्चा होता है। अगर गाइस आपके पास जो कम है, पैसे कम है, तो गाइस आप जो कोर्ट यानी कि एक वकील का सहारा ले सकते हो, वो आपके 500-700 में काम कर देगा और गाइस आपके जो पैसा है वो आपको रिटर्न दिलवा देगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो गाइस आप वहाँ पे जो कंपनी आपने जहाँ पे एंटर किया है तो गाइस वहाँ पे जाके आप GDD से बात कीजिए और गाइस अपने जो पैसे वो रिटर्न लीजिए। अगर गाइस आप RD वगैरह से बात करते हो तो गाइस वो झूठ बोलते हैं और गाइस आपके पैसे ना मिलने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो गाइस आपको सीधे GDD से बात करनी है और आपके पैसे रिटर्न लेने हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगली जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस उसके अंदर एक बंदे के साथ इतना खतरनाक सीन हुआ है कि वो अपने आप को यार सोच भी नहीं सकते हो आप वो करने जा रहा था। तो गाइस वो अगली वीडियो आप देखते रहना, और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। तो गाइस जय हिंद, जय भारत।